हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ऋषभ श्रीवास्तव एंड दिस इज़ एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ परीक्षा मंथन। यहाँ पर करंट अफेयर एनालिसिस की सीरीज़ में हम आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि इंटरनेशनल इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स एंड इंडिया, यानी यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म में क्या क्या इशूज़ हैं और उसमें क्या क्या सुधार की आवश्यकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इस वीडियो के अंत तक हमें जानने को मिलेगा कि About the United Nations, Organs of United Nations, और उसके बाद इन दोनों के बाद हम जानेंगे कि क्या क्या इश्यूज इरेज हो रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में, जिसके लिए इसमें रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। उसके बाद हम जानेंगे कि इनके इश्यूज के बाद इंडिया का अब तक यूनाइटेड नेशंस में क्या पार्टिसिपेशन रहा है। ठीक है, उसके बाद हम ये क्लेम करेंगे कि क्या इंडिया को परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में मिलनी चाहिए, और अगर मिलनी चाहिए तो इसके लिए क्या एफर्ट इंडिया कर रहा है। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम पूरी तरह ऐसे समराइज कर सकते हैं कि हमें यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म के बारे में जानना है, उसके ऑर्गन्स के बारे में जानना है, उसमें क्या इश्यूज हैं, इंडिया को उसके लिए क्यों परमानेंट मेंबरशिप देनी चाहिए और उसके लिए इंडिया क्या क्या एफर्ट कर रहा है। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि इसमें हम क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अबाउट द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, आप सभी लोग जानते हैं कि अब तक दो विश्व युद्ध हो चुके हैं यानी वर्ल्ड वॉर्स हो चुके हैं। तो जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ था तो 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज हुई थी। ठीक है, जिसके बाद किसका जन्म हुआ, लीग ऑफ नेशंस का। 1919 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की जाती है। उसका मेन एम था कि ये जो वर्ल्ड वॉर के बाद जो डिस्ट्रॉय हुआ उसको इवेड करना, कि फ्यूचर में कभी भी वर्ल्ड वॉर्स ना हो, या जो आपस में कंट्रीज हैं वो आपस में इस तरह से ना लड़े कि वो पूरे विश्व को इस बुरी तरह से प्रभावित करें। लेकिन आपको सभी इन्वेंट शायद पता होंगे, नहीं तो आप जरूर वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग कभी आगे बात करेंगे कि जर्मनी वगैरह का जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट आगे हुआ, 1939 से 45 तक वर्ल्ड वॉर टू होता है। ठीक है, देखा जाता है कि लीग ऑफ नेशंस अपने सभी ऑब्जेक्टिव्स में फेल होता है और वर्ल्ड वॉर टू होता है। तो अब एक ऐसे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पड़ी कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म को सृजन करें जिसमें हम ये कर सकें कि पीस ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में मेंटेन किया जाए, पूरे वर्ल्ड में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक ऐसे संस्था की आवश्यकता पड़ी जो कि लीग ऑफ नेशंस की तरह एक सिर्फ नाम के संस्था ना रह जाए, कुछ आगे कर सके। तो हमने यूएन का एस्टेब्लिशमेंट किया ऑफिशियली 24th of October 1945 यूनाइटेड नेशंस केम ओवर। ठीक है, यूएन चार्टर के बाद इसको ऑफिशियली स्टैब्लिश किया गया यूनाइटेड नेशंस को 1945 में। इसको यूएन डे के नाम से भी मनाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ से आया था। अब इसके लिए क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, तो इसका सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये था कि वर्ल्ड वॉर जैसी चीज़ों को इवेड करना, यानी उसको होने से रोकना। तो अवॉइड फ्यूचर वॉर्स, भविष्य में होने वाली सभी युद्ध को रोकना, मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा और शांति को पूरे विश्व में बनाए रखना, इसका सबसे ये दोनों जो इम्पॉर्टेंट है वो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। देखिए, हालांकि ये अपने आप में बहुत वेग वर्ड्स हैं, अभी भी विश्व में बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं, अभी भी कई जगह पर ऐसी जगह है जहाँ सुरक्षा या शांति नहीं है, पर जब इसका फॉर्मेशन हुआ तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था। तीसरा हम कह सकते हैं फ्रेंडली रिलेशन अमंग डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द ग्लोब, यानी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में आपस में मित्रता को बनाए रखना, ये इसका गोल था। चौथा हम कह सकते हैं कि किसी भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल तरह के कंसर्न्स या समस्याओं के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिस पर कि हम उस पर डिस्कस कर सकें, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज इन सभी मुद्दों पर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर सकती है जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र
संघ है। तो इन सभी उद्देश्यों को लेकर यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की जाती है। जब इस किसी भी संस्था की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना की जाती है तो उसके कुछ अपने ऑर्गन्स होते हैं, कुछ अपने एलिमेंट्स होते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि क्या क्या ऑर्गन्स थे जब यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। तो ऑर्गन्स में आते हैं, तो क्योंकि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा बातें करेंगे तो इसको हम बहुत शॉर्ट में देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन जब फॉर्म हुआ उसमें 6 ऑर्गन्स हमें देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे उसकी बात करेंगे। तो अगर हम शॉर्ट में जाने तो UNGA, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, UNSC, ECOSOC, ICJ, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड द सेक्रेटरीट। शॉर्ट फॉर्म में अगर आप इसको याद करना चाहें तो इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पहले की बात करते हैं UNGA। अब ये UNGA क्या है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है। ये सभी जो है 1945 में एस्टेब्लिश किए गए थे यूनाइटेड नेशंस के साथ। तो जब कोई संस्था होती है तो उसको डिस्कस करने के लिए कोई ना कोई कॉमन प्लेटफॉर्म तो चाहिए ही चाहिए। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी कंट्रीज का पार्टिसिपेशन है, ठीक है। एट प्रेजेंट दे आर 193 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यानी अब तक की विश्व की सबसे लार्जेस्ट संस्था है ये, जिसमें कि वर्ल्ड का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा है। अब ये करता क्या है कि जब भी कोई कंसर्न कहीं पे अराइज होता है उसके लिए डिस्कशन होने चाहिए, तो ये प्लेटफॉर्म डिस्कशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो ये जो सभी मेंबर है इनको अपनी अपनी पार्टिसिपेशन मिली हुई है, तो ये एक प्लेटफॉर्म दे देता है कोई भी पॉलिसी, कोई भी अमेंडमेंट या एक्ट बनाना हो, कोई इशू डिस्कस करना हो, कोई ऑब्लिगेशन देना हो, ठीक है, या कोई भी मेमोरेंडम बनाना हो। तो इस तरह की जब कोई नॉर्मल चीजें काम करनी होंगी तो हम किस पे बात करेंगे? UNGA पे बात करेंगे। दूसरा आता है UNSC। ये आ गई रीढ़ की हड्डी, ये है रीढ़ की हड्डी यूनाइटेड नेशंस की। UNSC क्या है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, ठीक है। UN चार्टर में इसको मेन स्थान मिला है और इसी की बातें तब से हो रही हैं और आज तक हो रही हैं। इसमें मेन चीज क्या है कि ये सारी चीजें तो सिर्फ मेन ऑब्लिगेशंस और पॉलिसी बनाने के लिए हैं, लेकिन जब भी राष्ट्र के सुरक्षा की बात आती है या उसमें पीस मेंटेन करने की बात आती है या उसमें कोई फ्रेंड रिलेशन को इंश्योर करने की बात आती है, तब इसकी जो महत्व है बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, दो प्रकार के मेंबर बनाए गए अब तक जो भी कॉन्स्टिट्यूशन इसके जो UN चार्टर से पास किए गए हैं। इसमें कुल 15 कंट्रीज मेंबर हो सकती हैं, यानी 15 मेंबर्स एक बार में इसके हो सकते हैं। इसमें दो प्रकार के मेंबर हैं, पहला है परमानेंट मेंबर यानी स्थायी मेंबर और दूसरा है नॉन परमानेंट मेंबर। अब ये परमानेंट क्या है, नॉन परमानेंट क्या है? परमानेंट का मतलब होता है कि ये सभी कोई भी UNSC की मीटिंग होगी, कोई भी ऑब्लिगेशन या डिबेट चल रही होगी, इनका प्रेजेंट होना जरूरी है और इनको एक विशेष अधिकार मिला है जिसका नाम है वीटो। इसके बारे में भी चर्चा भी हम करेंगे। वीटो मिला हुआ है, इनको नहीं मिला हुआ है, ठीक है। नॉन परमानेंट मेंबर क्या है कि हर दो साल के लिए 10 मेंबर्स चुने जाते हैं। तो परमानेंट मेंबर कितने हैं? 5 और नॉन परमानेंट मेंबर कितने हैं? 10। टोटल 15 मेंबर जो है UNSC के मेंबर हैं। तो ये 5 हमेशा रहेंगे और ये जो 10 है ये हर 2 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। देखने वाली बात है कि रिसेंटली सितंबर 2020 की न्यूज में था कि इंडिया परमानेंट मेंबर बन गया है। कौन सी टाइम? 8th टर्म के लिए। 8वीं बार इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया को परमानेंट मेंबर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आगे हम इसी पे डिस्कस करेंगे। तो UNSC को समझिए कि किसी को भी देखने के लिए, किसी भी पॉलिसी स्कीम या जाने के लिए, सिक्योरिटी और पीस को मेंटेन करने के लिए इन दोनों मेंबर्स का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि ये परमानेंट मेंबर हैं, ये वीटो रखते हैं। वीटो का मतलब अभी आपको समझाते हैं, पहले देखते हैं कि ये 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं जिनको परमानेंट 5 या P5 कंट्रीज कहा जाता है। तो ये परमानेंट कंट्रीज हैं USA, यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना और रशिया, द देन USSR, ठीक है।
जो सोवियत संघ था वो अब का प्रेजेंट रशिया, ये पांच मेंबर परमानेंट मेंबर कहलाते हैं। अब इनके पास वीटो का क्या मतलब है कि अगर कोई भी डिबेट चल रही हो, कोई भी ऑब्लिगेशन चल रहा हो, कोई कॉन्वेंशन चल रहा हो, किसी भी चीज़ के लिए इनके पास वीटो का अधिकार है। यानी अगर सभी मेंबर कह रहे हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है पर इन पांच में से किसी एक ने भी वीटो लगा दी, नो यू कैन नॉट पास दिस रिजोल्यूशन, देन दिस होल एक्सरसाइज विल गो इन वेन। यानी कि ये पूरी आपकी जो डेलीगेशन की जो प्रक्रिया खत्म हो जाएगी अगर कोई एक भी वीटो लगा देता है। दैट मीन्स कि इन P5 कंट्रीज का 100% कंसेंसस होना चाहिए। ये पांचों राष्ट्र उस मुद्दे पर 100% सहमत होने चाहिए कि ये ऑब्लिगेशन ज़रूरी है, ये अमेंडमेंट या एक्ट आना ज़रूरी है, इसलिए इसको हम पास करते हैं। एक ने भी अगर वीटो लगा दिया कि नहीं भाई ये हमारे हित का नहीं है, तो ये पूरा रेजोल्यूशन होल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की इतनी इंपॉर्टेंस है और इन वी फाइव कंट्रीज की इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर इन लोगों ने अपनी सहमति नहीं जताई तो वो रेजोल्यूशन वेन में चला जाता है। और इसी बात का इस समय इशू चल रहा है। ठीक है, हम तीसरे पर आते हैं, इकोसॉक। अब शॉर्ट में समझ लेते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, लिख देता हूं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। देखिए ये क्या करती है, जब आप यूएनजीएम पॉलिसी अमेंडमेंट कोई भी एक्ट बना लेते हैं उसका ये पॉलिसी एनालिसिस करती है हर तरीके से, सिक्योरिटी के पहलू से, रहन सहन के पहलू से, एनवायरनमेंट के पहलू से, जो एनवायरनमेंट इशू हैं उन सब के पहलू से। तो ये बेसिकली पॉलिसी एनालिसिस और इनके इम्प्लीमेंटेशन का, उनके मॉनिटरिंग का ध्यान रखती है। यानी उनकी देख रेख, उनका कैसा विस्तार हो रहा है, कैसा उसमें आगे आगे के चीज़ें चल रही हैं। इसके बाद आते हैं ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर हेग में है, अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए जब कोई कंट्री होती है उसका अपना सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट होता ही है, तो ये एक तरीके का इंटरनेशनल कोर्ट है। जब कोई दो राष्ट्र आपस में एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा करते हैं, कोई किसी के खिलाफ कोई क्लेम करना चाहते हैं, तो वो यहाँ जाते हैं। बेसिकली द चैनल विल बी यूनाइटेड नेशंस। जैसा कि अभी मुकदमा चल रहा है कुलभूषण यादव केस में, आपको अगर ये केस पता हो कि एक इंडियन को एब्रक्ट कर लिया गया पाकिस्तान के द्वारा, उसको पाकिस्तानी में इंडिया जासूस बताया जा रहा है और उसको कहा जा रहा है कि ये जासूस है और इंडिया में पाकिस्तान की खुफिया न्यूज़ इंडिया को पार्सल करता था और उसको कई सारे अधिकार नहीं दिए गए थे, इसको एग्जीक्यूट भी किया जाने वाला था, पर इसके खिलाफ इंडिया ने अभी केस किया है ICJ में और ICJ ने इसके एग्जीक्यूशन यानी इसको फांसी देने पर अभी अभी रोक लगा दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमेशा न्यूज़ में रहता है, चाहे वो इनका इशू हो, चाहे वो फिशरमैन का इशू हो जो केरला में पकड़े गए थे, और भी बहुत सारे। ठीक है, तीसरा है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब लीग ऑफ नेशंस बना था तो उसमें क्या थे, कुछ स्मॉल टेरिटरीज थे, तो ये स्मॉल टेरिटरीज को ट्रस्टीशिप स्टेट्स बना दिया गया था। ट्रस्टीशिप स्टेट्स या ट्रस्टीशिप टेरिटरी बना दी गई थी जो कि बहुत स्मॉल टेरिटरीज थी। अब ये रेमिनेंट हो गई, जब ये इसका खत्म हो गया तो अब इनका कुछ पता चला नहीं, तो इनको मैनेज करने के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल बना दी गई कि भाई जो लीग ऑफ नेशंस में हमने प्रण लिया था इनको बचाने का, जो इनकी सिक्योरिटी करने का, वो आप यहाँ से देख लीजिए। तीसरा है द सेक्रेटरीट, सॉरी लास्ट है द सेक्रेटरीट, सचिवालय। तो किसी भी जगह का जो मेन सचिवालय है, जो मेन ऑफिस होता है, उसी तरह यूनाइटेड नेशंस का ये मेन ऑफिस है द सेक्रेटरीट, जहाँ पे यूएन में काम करने वाले विशेष स्टाफ बैठते हैं, अपना काम करते हैं, जहाँ बैठ के होती हैं। तो ये एक सिंपल ऑफिस आप समझ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था यूनाइटेड नेशंस के बारे में। अब हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं कि बेसिक भैया इशूज़ क्या क्या चल रहे हैं, क्यों यूनाइटेड नेशंस में हमको रिफॉर्म चाहिए, क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। तो पहला हम कह सकते हैं ये टूथलेस एजेंसी है, इनके दांत नहीं है। दैट मीन्स इट कैन नॉट बाइट, ये काट नहीं सकते। यूनाइटेड नेशंस में जितने भी ऑब्लिगेशंस या एक्ट्स या पॉलिसी पास की जाती है ज़्यादातर नॉन बाइंडिंग इन नेचर होती है। दैट मीन्स कि वो किसी भी कंट्री पर बाध्य नहीं है। जब कोई कानून बना दिया गया कि भाई अब ये चीज़ें ऐसे होंगी, सपोज इन्वायरमेंट के लिए कोई एक्ट बना दिया गया, अगर कोई कंट्री उसको डिफाई करती है उसके लिए कोई पीनल एक्शन नहीं लिया जाता,
कोई भी दंडकारी एक्शन नहीं लिया जाता। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे जो ताकतवर कंट्रीज होंगी इसको डिफाई करना स्टार्ट कर देती हैं, ऐसा अक्सर देखा गया है। तो अब ये टूथलेस एजेंसी बन चुकी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंट्रीज हैव नोन दैट इवन इफ डिफाई दीज पॉलिसीज अमेंडमेंट्स एंड एक्ट्स देन इट विल नॉट बाइट अस। ये हम पे कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते, ये हो सकता है कि कोई ना कोई एम्बार्गो या कोई ऐसा एक्शन लगा दें जिससे कि हमारा थोड़ा बहुत ट्रेडियल नुकसान हो, व्यापार में नुकसान हो सकता है, पर ऐसा कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकता। ठीक है, दूसरा है अनइक्वल जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम ग्लोब की बात करें, जो पृथ्वी है हमारी, तो जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है, जो कि मैंने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है, उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है जो कंट्रीज का, वो अनइक्वल है। इसको हम कैसे कह सकते हैं कि यूरोप जो है हमारा ओवर रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, एशिया की बात करें तो अंडर रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटेड है। ठीक है, और अगर हम साउथ अमेरिका या अफ्रीका की बात करें एंड दीट आर नॉट रिप्रेजेंटेड। अब समझिए, जो डेवलप्ड वर्ल्ड था उस समय का, इनको अधिक से अधिक रिप्रेजेंटेशन मिला। एशिया जो कि इस समय ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, इसमें बहुत कम, सिर्फ चाइना को रिप्रेजेंटेशन मिला। यहाँ पे भाई यूके है, यूएसएसआर है यानी रशिया, और यूएसए है, फ्रांस है, यहाँ सिर्फ चाइना को मिला। और पूरे साउथ अमेरिकन कंटिनेंट और अफ्रीका से किसी को भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिला सिक्योरिटी काउंसिल में, तो ये नॉट रिप्रेजेंटेड है। ये हमारे तीसरे इशू को ले जाता है, जो कि कह सकते हैं नॉर्थ साउथ डिवाइड, नॉर्थ साउथ को डिवाइड करता है। यानी कि ये जो एरिया है ऑफ द ग्लोब है, ये ओवर रिप्रेजेंटेड है, और साउथ का जो एरिया, ये साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया है, ये लगभग लीस्ट और नॉट रिप्रेजेंटेड है। तो ये बहुत बड़ा इशू है कि नॉर्थ साउथ डिवाइड भी क्रिएट करता है, जो यूएनएससी का मेंबरशिप है। ठीक है, तो टूथलेस एजेंसी हो गई, अनइक्वल जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, नॉर्थ साउथ डिवाइड हो गया। अब एक देख सकते हैं, जो इसकी इकोसॉक यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ये अब एक तरीके से निष्क्रिय हो चुकी है, क्योंकि अब इसके एनालिसिस करने के लिए अलग अलग एजेंसीज आ गई हैं। वर्ल्ड बैंक है, WTO है, IMF है, इनके अपने अपने डिफरेंट एरियाज में काम है, तो इनका जो काम है वो बहुत डिक्लाइन कर गया है। तो ये सारे जो इशू हैं वो बहुत मायने रखते हैं कि भाई अब यूनाइटेड नेशंस शायद उस तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट कह सकते हैं कि रिसेंट इमर्जिंग इशूज। अभी क्या हो रहा है कि जो भी यूनाइटेड नेशंस के जो डिफाई करने वाले थे वो लगातार डिफाई कर रहे हैं, उनका कोई भी कंसर्न नहीं है। ठीक है, और ट्रांसनेशनल टेररिज्म बढ़ता चला जा रहा है। जो डेवलप्ड वर्ल्ड है अब वो क्या कर रहा है, जो पहले भी होता था, जो डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जैसे USA ने फोर्स डिप्लॉय किया अफगानिस्तान में, या मिडिल ईस्ट में USA या USSR या रशिया जो भी कर रहे हैं वहाँ फोर्स डिप्लॉय कर रहे हैं, इन द नेम ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। कितनी अशांति फैली हुई है इन सभी एरियाज में, चाहे वो अफगानिस्तान हो या मिडिल ईस्ट हो या अपर अफ्रीकन कंट्रीज हो लाइक लाइबेरिया, गियाना, सूडान और बहुत सारे। ठीक है, तो ये सभी जो रिसेंट इमर्जिंग इश्यूज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जानने के लिए कि यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 45 का रिप्रेजेंटेशन है, 1945 में ये बना हुआ था, 2020 में हम आ गए, इतना कुछ बदल गया है। कैपिटलिस्ट वर्सेस जो सोशलिस्ट डिबेट था वो भी एंड हो गया USSR के विघटन के बाद। अब हम चाइना एंड इंडिया की डेवलपिंग इकोनॉमी, जो कि अब एक तरीके से डेवलप्ड की ओर बढ़ रहे हैं, वहाँ तक आ चुके हैं। तो हमें समझना चाहिए कि भाई यूनाइटेड नेशंस को भी थोड़ा बहुत बदलना चाहिए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इंडिया
का क्या पार्टिसिपेशन रहा है? आखिर क्यों भाई, क्यों इंडिया की इतनी डिमांड की जा रही है, क्यों इंडिया को ही मेंबरशिप दी जानी चाहिए? तो अगर इंडिया के पार्टिसिपेशन की बात करें, तो जब लीग ऑफ नेशंस बना था, यूनाइटेड नेशंस बना था, नैम बना था, G77 बना था, ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन थे, इसमें इंडिया वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑलवेज। हालांकि इनका संबंध यूनाइटेड नेशंस से नहीं है, सिर्फ मैंने कोरिलेशन के लिए बता दिया कि आपको शायद याद रहे। तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर था किसका? इन सभी यूनाइटेड नेशंस का, सॉरी ऑर्गेनाइजेशंस का। तो ये सभी संस्थाएं हैं, इनका बेसिक एम है पीस एंड सिक्योरिटी। भारत हमेशा इंश्योर करता है कि कोई भी कंट्रीज हो उनके हित का हनन नहीं होना चाहिए, वहां पर पीस और सिक्योरिटी इंश्योर होनी ही होनी चाहिए। इसलिए हमेशा इंडिया का जो मॉरल है वो हमेशा अप रहता है, और वो इन सभी के साथ मिलकर चाहता है कि ग्लोब में पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रहे, और हमेशा इसके लिए तत्पर रहता है। चलिए, ये तो फिलोसॉफिकल बातें हो गई, ठीक है। तो इंडिया वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ दीज ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस, लीग ऑफ नेशंस, नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, G77 एंड मैनी अदर्स, ठीक है। अब इंडिया के बारे में जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्स है, ये सारी कंट्रीज जो होती हैं, जो कि मिडिल ईस्ट हो गई, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, ये सब जो कंट्रीज है ना, वो अशांत रहती हैं। तो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो यहाँ पर फोर्स डिप्लॉय करते हैं, कौन सी? यूएन पीस कीपिंग फोर्स। तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ दिस पीस कीपिंग फोर्स, या आप कह सकते हैं कि थर्ड लार्जेस्ट है। अब तक भाई साहब 200,000 से ज़्यादा भारतीय सैनिक यूनाइटेड नेशंस के लिए जान दे चुके हैं, सोच सकते हैं आप कि मतलब उसमें भर्ती हो चुके हैं। इतने सारे लोग यूनाइटेड नेशंस की तरफ से लड़ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज लाइक, जिनका आपको शायद नाम भी ना पता हो, हयाती, कॉन्गो, लाइबेरिया, ठीक है, कोस्ट डी आइवरी, ठीक है, लेबनन, ठीक है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। ऐसी कंट्रीज़ में वो लोग वर्क कर रहे हैं जहाँ पे आपको शायद नाम भी ना पता हो। तो यूनाइटेड पीस कीपिंग फोर्स में इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये समझना चाहिए कि इंडिया काफ़ी कुछ कर रहा है शांति और सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए, ठीक है। यूएन पीस कीपिंग फोर्स इंडिया का हमेशा से प्लस पॉइंट रहा है, और शांति व्यवस्था बनाए रखना इसके, यू कैन से इट इज़ इन ब्लड, इनके खून में है शांति बनाए रखना। अब ये देखिए कि यूनाइटेड नेशंस में जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, इंडिया से ही पहली फीमेल प्रेसिडेंट यूएनजीए की हुई थी। इसी तरह अगर आप सॉफ्ट पावर की बात करें तो योगा डे इंडिया की देन है, अहिंसा डे यानी अहिंसा दिवस जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपका 21 जून को मनाया जाता है, ये सभी इंडिया ने ही दिए हैं, और ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है कि हाउ सॉफ्ट पावर कैन बी मोर इन्फ्लुएंशियल देन द फोर्स पावर। यानी सॉफ्ट पावर जो होती है आपकी, सॉफ्ट पावर यानी डिप्लोमेटिक बातचीत, योगा, डांस, कल्चर, हेरिटेज, पॉलिटिक्स, ये आपकी ज़्यादा काम करती है, किससे ज़्यादा? फोर्स डिप्लॉयमेंट से ज़्यादा असर करती है। आपने देखा होगा भाई CDM वगैरह जो हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन या और भी सारी बातें हुई, तो आपने देखा कि ब्रिटिशर्स हथियार से ज़्यादा हमारे जो बेसिक है, सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह, सत्य, अहिंसा, इन सबसे प्रभावित होकर काफ़ी ज़्यादा उनको असर पड़ा, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि अगर इंडिया ये सब कर रहा है तो इंडिया को क्या परमानेंट मेंबरशिप दे देनी चाहिए? तो इंडियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, यानी इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये स्वयं कह रही है
कि इंडिया हैज फुलफिल ऑल द क्राइटेरिया टू बिकम अ मेंबरशिप ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी. हाउ कैन वी से इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वन ऑफ द हाइएस्ट जीडीपी, इन टर्म्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज, इन टर्म्स ऑफ आवर सिविलाइजेशनल लेगेसी, इन टर्म्स ऑफ आवर पॉलिटी, दैट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. यानी हमारे जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है वो भी बहुत ज़्यादा है. जीडीपी हम सेवेंथ लार्जेस्ट हैं, ये अक्सर सिक्स सेवेंथ होती रहती है फ्रांस के साथ हमारा उठना बैठना है. कल्चरल हेरिटेज, ये बहुत पुराना हमारा कल्चर है जिसको हम बचा के रखे हुए हैं. सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर वैदिक काल या उसके बाद अभी तक जो भी आ रहे हैं. और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हम जब से आज़ाद हुए हैं तब से हम डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं. वी आर डूइंग इलेक्शंस एंड इक्वल पार्टिसिपेशन बिटवीन मेन एंड वुमेन. हम इक्वल पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, उनको वोट देने का भी उतना ही अधिकार है जितना कि आज है. न्यूजीलैंड में कई सालों बाद हुआ, यूएस में बहुत बड़ी क्रांति आई उसके बाद हुआ. हम जब से आज़ाद हुए हैं तब से हम इनको इक्वल पार्टिसिपेशन दिए हुए हैं, ठीक है. तो ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हमें खुद के बता रही है कि हम लगभग सभी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं कि हमें परमानेंट मेंबरशिप दी जानी चाहिए. इसी के साथ साथ अगर हम स्पेस डिप्लोमेसी की बात करें तो जो इंडिया है लगभग सभी जो स्मॉल कंट्रीज हैं या जो ज़रूरतमंद नेशंस हैं अगर वो अपना कोई सैटेलाइट विश्व में अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं तो उसको कंप्लीट हेल्प प्रोवाइड कर रहा है. जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि इसरो जो है कभी 44 सैटेलाइट, 104 सैटेलाइट्स, 88 सैटेलाइट्स, यानी इतनी सारी नैनो सैटेलाइट्स एक साथ एक पैकेज में भरकर डिफरेंट कंट्रीज को अंतरिक्ष में लॉन्च कर देता है. ये क्या है? एक तरीके से स्पेस डिप्लोमेसी है. वो एक तरीके से पैसा भी तो बना ही रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट इट हैज़ बिकम अ मॉरल रिप्रेजेंटेटर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड. इंडिया एक तरीके से मॉरल रूप से थर्ड वर्ल्ड का एक लीडर हो गया है कि भाई आपको कभी भी कोई आवश्यकता पड़े हम आपके साथ हैं. सिमिलरली अगर हम फार्मा की बात करें तो जो हमारे जेनेरिक मेडिसिन बनाए जाते हैं वो भी अफ्रीका जैसी कंट्रीज में, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं बहुत ही रिलेवेंट और कम दामों पर. जहाँ पर अमेरिका या रूस बहुत ज़्यादा तादाद में दवाइयाँ बनाते तो हैं पर उनके रेट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के वजह से इतने हाई होते हैं कि स्मॉल कंट्रीज उसको परचेज नहीं कर पाते. तो फार्मा इंडस्ट्री में भी इंडिया इन सभी लोगों को बहुत अच्छे से सप्लाई करता है. तो हमने देखा कि स्पेस डिप्लोमेसी में भी इंडिया हमेशा से बहुत अच्छा काम कर रहा है, फार्मा भी अच्छा काम कर रहा है और टेरिटोरियल, कल्चरल, पॉलिटिकल सभी तरीके के इसके पास एडवांटेज हैं. एक तरीके का जब उन्होंने बताया कि जब ये मॉरल रिप्रेजेंटेटर है तो अब इंडिया की सिर्फ अपनी भागीदारी नहीं है कि हमको मेंबरशिप नहीं चाहिए. नाउ वी हैव बिकम अ वर्ल्ड लीडर इन दिस केस कि भाई हमको अब आप परमानेंट मेंबरशिप दे दीजिए ताकि हम और सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर सकें. के लिए क्या एफर्ट कर रहा है तो एफर्ट्स में देखेंगे कि अगर हम देखें कि G4 जो मेंबर है, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान एंड इंडिया, ये चारों कंट्रीज ने अपनी एक ग्रुपिंग बनाई है एंड दे आर नाउ इक्वली रेडी टू बिकम अ परमानेंट मेंबरशिप, परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. ये चारों कह रहे हैं कि अब हम हर तरह से तैयार हैं कि हमको परमानेंट मेंबरशिप दी जानी चाहिए इन एनी पैरामीटर, चाहे वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो, चाहे उनकी जीडीपी हो, चाहे वो उनका फोर्स डिप्लॉयमेंट हो, चाहे उनकी ताकत हो, स्पेस डिप्लोमेसी हो, कोई भी. तो ये सारी कंट्रीज कह रही हैं और सभी ये समझ भी रहे हैं कि ग्लोब नाउ इज शिफ्टिंग फ्रॉम यूएस एंड यूएसएसआर की तरफ से. अब कई नाउ इट हैज़ नॉट अ बाईपोलर, नॉट यूनिपोलर, इट हैज़ बिकम अ मल्टीपोलर, बहुध्रुवीय, ठीक है, कई सारे पोल्स में बढ़ चुका है और यही सारे पोल हैं.
एक है L.69 ग्रुप, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया में लगभग 42 कंट्रीज का एक ग्रुप है, ये घटती बढ़ती रहते हैं, ये नंबर पे मत जाइएगा। तो ये कंट्री भी इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई यस इंडिया शुड बिकम अ मेंबर, परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसी तरह एक अफ्रीकन यूनियन है जिसमें कि लगभग 54 से 58 कंट्रीज हैं, मतलब 54 कंट्रीज हैं। ये सभी कंट्रीज एक तरीके से कुछ कुछ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज वर्ल्ड में आते हैं जो कि थर्ड वर्ल्ड कहलाता है, और कई सारे डेवलपिंग नेशंस भी हैं। दे आर सेइंग कि ये इंडिया ने हमारी बहुत हेल्प की है, और अगर ये यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप में चला जाता है तो ये हमारे और हेल्प कर सकता है। इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट हुआ था C.10 ग्रुपिंग्स करके, ये भी एक तरीके से मेमोरेंडम पास किया गया था कि इंडिया को मेंबर बन जाना चाहिए। तो G4, G77, L.69, अफ्रीकन यूनियन, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया को मेंबर हो जाना चाहिए। और P5 में से भी USSR यानी रशिया, फ्रांस और रशिया फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम इंडिया को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं कि दे शुड बिकम ए मेंबर, परमानेंट मेंबर ऑफ यूनेससी। अब भाई एक ही कंट्री बचती है, चाइना। अगर ये तैयार हो जाएगी तो यूएसए तो तैयार हो ही जाएगी। ये अपना पाला बदलते रहते हैं समय समय पर। चाइना इज नाउ एन ऑब्स्ट्रक्शन, यही P5 का वीटो इशू है। अगर 100% कंसेंसस ना होता तो इन चारों कंट्री को मिला के अब तक भारत बन चुका होता परमानेंट मेंबरशिप, ये भाई साहब अड़ा के रखे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितने सारे चीज़ों के बावजूद इंडिया को पार्टिसिपेशन देने के बावजूद परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिल रही है। तो अगर ये मेंबरशिप मिल जाती है तो न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि अक्रॉस द ग्लोब, द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और जो भी चीज़ें ना समझ में आई हो तो मुझे ज़रूर लिख के बताएं, मैं अगले बार उसको सुधार करके लाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।